राकेश रावत के भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नगर आगमन हुआ। पहली बार नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुके, माला और शॉल पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं व्यापार संघ ने भी उनका ढोल धमाकों और आतिशबाजी कर स्वागत किया। इस मौके पर राकेश रावत ने राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व मंत्री गणेश जोशी और पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता पिछले मंडल के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों को साथ लेकर चलेंगे और आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर कार्य किया जाएगा और आने वाले 8 महीने में भाजपा मसूरी मंडल नए मुकाम को छुएगी। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। मैं सर्वप्रथम अपना राष्ट्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारे जो लोकप्रिय कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी हैं, उनका, हमारे मंडल अध्यक्ष और जितने भी मसूरी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने एक मत से मुझे मंडल अध्यक्ष बनने का मौका दिया है। एक छोटे से गांव, एक छोटे से परिवार से मैं आता हूं। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि किसी छोटे कार्यकर्ता को इस जगह पे पहुंचने का मौका मिला है। मैं उसके लिए सभी, आप सभी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हैं राकेश रावत जी, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और निश्चित ही मैं अपने प्रदेश और जिले के और अपने सभी सहयोगी जो हमारे मंडल में पदाधिकारी रहे हैं, जो हमारे मसूरी मंडल के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सहयोग से, उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग किया है, हमेशा मेरी सहायता की है और मैं तो उनके द्वारा प्रस्तावित एक अध्यक्ष था, उनका प्रतिनिधि था। कार्यकर्ता ही हमारी भारतीय जनता पार्टी में सर्वश्रेष्ठ होता है।